हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में और कॉजलिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जो सिस्टम कंसीडर करने वाले वो है हमारा एलटीआई सिस्टम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहला सिस्टम की कॉजलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम फ्रॉम लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह सिस्टम, हमने डिस्कस किया कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है, नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है, एंटी कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह सिस्टम और सिस्टम को हमने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी। तो जो सिस्टम है वो हमें क्या देगा, सिस्टम हमें आउटपुट देगा वाई ऑफ टी। और ये सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हमने कंसीडर किया एच ऑफ टी। अगर इसका अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम लोग शो करते हैं एच ऑफ एस से। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एच ऑफ टी, सिस्टम को हमने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी और जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट दे रहा है वाई ऑफ टी। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। एच ऑफ टी है क्या, जो एच ऑफ टी है वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का, कौन से डोमेन में, टाइम डोमेन में, इम्पल्स रिस्पॉन्स इन टाइम डोमेन। यह एच ऑफ टी का अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो कि होता है एच ऑफ एस, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एच ऑफ एस। ये है क्या, यह है ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का, कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हमने डिस्कस किया था कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है, नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है और एंटी कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर जीरो होता है टी लेस देन जीरो के लिए तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर नॉन जीरो होता है टी इज इक्वल टू जीरो के लिए तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर जीरो होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर टी लेस देन जीरो के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कॉजल सिस्टम के बारे में, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में और एंटी कॉजल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे सिस्टम की कॉजलिटी के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो जो पॉइंट कंसीडर करते जा रहे हैं आप इसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम और एंटी कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला हमें कॉजलिटी में ये डिस्कस करना है, इफ सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है देन आरओसी ऑफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की जो आरओसी होगी वो राइट साइड में होगी राइट मोस्ट पोल के। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है, हमने डिस्कस किया कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की जो आरओसी होगी वो राइट साइड में होगी कौन से पोल के, राइट मोस्ट पोल के। तो जो आरओसी होगी वो राइट साइड में होगी राइट मोस्ट पोल के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राइट हाफ प्लेन में होगी। मगर इसका जो इन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और वो सिस्टम मैंने आपके सामने रख दिया, तो जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो सिस्टम कॉजल सिस्टम है, तो उसकी जो आरओसी जो होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको राइट मोस्ट पोल के अगर राइट साइड में अगर मैं आरओसी दे दूँ तो आप बोल नहीं सकते हो कि जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम ही रहेगा, वो जो सिस्टम है वो एंटी कॉजल सिस्टम भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना, सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है तो उसकी जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। मगर मैं आपको आरओसी दे दूँ राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में, मगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम ही रहने वाला है, जो सिस्टम है वो एंटी कॉजल सिस्टम भी हो सकता है। आरओसी को देखते हुए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम ही होगा, सिस्टम एंटी कॉजल सिस्टम भी हो सकता है। मगर अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है तो उसकी डेफिनेटली जो आरओसी होगी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम है तो जो आरओसी होगी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वो राइट साइड में होगी राइट मोस्ट पोल के। तो जो आरओसी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया इम्पल्स रिस्पॉन्स दो अलग अलग सिस्टम का, यहाँ पर हमने एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर किया, दूसरे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये जो एच ऑफ टी है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का। तो हमने दो सिस्टम डिज़ाइन किया, दोनों सिस्टम के हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर किया, यहाँ पर एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स और यहाँ पर एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग जो सिग्नल जो कंसिडर कर रहे हैं, ये जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, या फिर बोल सकते हैं जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? कौशल सिस्टम है। हमने डिस्कस किया कौशल सिस्टम का मतलब क्या होता है। कौशल एच ऑफ टी जीरो होगा टी लेस देन जीरो के लिए, जो एच ऑफ टी होगा वो सिर्फ एक्जिस्ट करेगा टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। नॉन कौशल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो एच ऑफ टी होगा वो नॉन जीरो होगा टी इज इक्वल टू जीरो के लिए। एंटी कौशल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो जीरो होगा वो सिस्टम का टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। एंटी कौशल सिस्टम में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो टी लेस देन जीरो के लिए एक्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमें यहाँ पर दो सिग्नल मिल रहे हैं, एक जो सिग्नल है वो राइट साइड में और ये वाला जो सिग्नल है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हमें मिल रहा है। टी ग्रेटर देन जीरो टी लेस देन जीरो दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला सिग्नल, और ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग मोर प्रिसाइसली बोल सकते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये वाला जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाला जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टी लेस देन जीरो टी ग्रेटर देन जीरो दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम है और ये वाला जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम है। जिस भी सिस्टम का ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम है, और जिस भी सिस्टम का ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम है। यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर है कि दोनों जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है, दोनों सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है। इसका मतलब दोनों की जो आरओसी होगी वो राइट साइड में हमें मिलना चाहिए राइट मोस्ट पोल के, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दोनों राइट साइडेड सिग्नल है तो दोनों की जो आरओसी है वो हमें कहाँ पर मिलना चाहिए? राइट साइड में मिलना चाहिए हमें राइट मोस्ट पोल के। मगर यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम है और ये वाला जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें आरओसी अगर राइट साइड में मिल रही है राइट मोस्ट पोल के, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि वो सिस्टम कौशल सिस्टम ही रहेगा। वो जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर ये दोनों जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है, ये वाला कौशल सिस्टम है और ये वाला जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम है। तो दोनों की जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में ही हमें मिलेगी। और आरओसी को देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा वो कौशल सिस्टम ही रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दे दिया जाए राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में, तो आरओसी को देखते हुए आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम ही रहने वाला है। वो जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कौशल सिस्टम और एंटी कौशल सिस्टम दोनों की जो आरओसी है वो हमें राइट साइड में मिलेंगी, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया दोनों जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है। तो ऑब्वियसली दोनों की जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल की हमें कहाँ पर मिलेंगी? राइट हैंड साइड में मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट, प्लीज नोट डाउन। अगर हमें आरओसी दे दिया जाए तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में दे दिया जाए, तो आरओसी को देखते हुए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम ही रहेगा। वो जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है। राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में जो आरओसी है उसके लिए सिस्टम कौशल सिस्टम भी हो सकता है और एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है। मगर एक सिस्टम हमने डिज़ाइन किया जो कि कौशल सिस्टम है, तो डेफिनेटली उसकी जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है सिस्टम इज कौशल सिस्टम। अगर सिस्टम अगर कौशल सिस्टम है तो जो आरओसी होगी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वो राइट साइड में होगी, राइट मोस्ट पोल के आरओसी राइट हाफ प्लेन में होगी। मगर इसका जो इनवर्स है वो ट्रू नहीं है। बट इफ ट्रांसफर फंक्शन इज अरेशनल, जैसे कि हमने, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो आप इसको नोट डाउन करते जाओ। जैसे कि अब तक हमने डिस्कस किया दोनों पॉइंट को आप समराइज कर लो। मैं वंस अगेन आप रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको लास्ट टाइम नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को प्रोसीड करेंगे। तब तक कि हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम लोग कौशल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जो आरओसी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। मगर हमें आरओसी अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में दे दिया जाए, तो जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम भी हो सकता है और एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है। तीसरा वाला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, बट इफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज रैशनल, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर रैशनल होता है एंड इफ आरओसी इज इन द राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल देन सिस्टम विल बी कौशल। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर रैशनल होता है और आरओसी अगर आपको राइट साइड में दे दी जाती है राइट मोस्ट पोल के, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम रहेगा? जो सिस्टम है वो कौशल सिस्टम ही रहने वाला है। तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछे गए एग्जामिनेशन में। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर लिखूँ, ये जितने भी हमने जो पॉइंट्स कंसीडर करे इसको मैंने फिर से यहाँ पर सिंपल वर्ड में लिखा हूँ ताकि आप समझो। इफ एनी सिस्टम इज कौशल, अगर कोई भी सिस्टम अगर कौशल सिस्टम होता है तो जो आरओसी होगी वो राइट साइड में होगी राइट मोस्ट पोल के। बट इफ सिस्टम आरओसी इज इन राइट हैंड साइड, मगर अगर सिस्टम की आरओसी अगर राइट हैंड साइड में या फिर अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में अगर हमें आरओसी मिल रही है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि जो सिस्टम होगा वो डेफिनेटली कौशल सिस्टम ही रहेगा, वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है।
बट इफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज रैशनल, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर रैशनल होता है और अगर ROC अगर हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलती है तो जो सिस्टम होगा वो डेफिनेटली कौशल सिस्टम ही रहने वाला है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिस्टम, हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और वो सिस्टम का हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर किया H(t) जो कि e^-2t ut। यहाँ पर ये ut लगा हुआ है, इसका मतलब स्टेप सिग्नल है, एग्जिस्ट करता है t>0 के लिए। एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन 0 से ∞ के बीच में होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1। हमने बात किया इसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखे इम्पल्स इज एग्जिस्टिंग फॉर t>0। जो इम्पल्स है वो t>0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। t>0 के लिए कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ut दिया हुआ है, स्टेप सिग्नल दिया हुआ है। तो जो इम्पल्स है वो t>0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम रहेगा, जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसको देखते हुए अभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम रहेगा। तो ये हमें कैसा पता चला सिस्टम कॉजल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ut दिया हुआ है, स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, स्टेप सिग्नल t>0 के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर ut नहीं दिया होता तो मे बी हम लोग बोल सकते कि सिस्टम कॉजल नहीं हो सकता था, मगर यहाँ पर ut दिया हुआ है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो राइट हैंड साइड सिग्नल है, t>0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिग्नल सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम है। इम्पल्स इज एग्जिस्टिंग फॉर t>0 है, सिस्टम इज कॉजल सिस्टम। अगर इसका अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, H(s)=1/s+2। यहाँ से अगर हम लोग ROC को डिफाइन करें, s+2 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा s=-2। यहाँ से अगर हम लोग ROC को डिफाइन करें तो हमें मिल जाएगा real(s)-2। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, -2 पर हमें क्या मिल रहा है, -2 पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पोल। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन कंसिडर किया, ये इमेजिनरी एक्सिस हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये रियल एक्सिस सिग्मा, यहाँ पर हमने -2 पर एक पोल कंसिडर किया। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो रियल ऑफ एस है वो ग्रेटर है -2 के कंपैरिजन में, सिग्मा ग्रेटर है -2 के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है कि जो ROC होगी वो राइट साइड में होगी। तो यहाँ पर ये जो पोल हमने जो कंसिडर किया इसके राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगा, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली प्रूफ हमने किया। यहाँ पर सिस्टम कॉजल सिस्टम था तो यहाँ पर हमें जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें जो मिला वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिला। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में इनिशियल वीडियोज़ में। सिमिलरली यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि अगर सिस्टम अगर कॉजल सिस्टम होता है, यहाँ पर मैं सेम थिंग अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक है बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसलिए मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। मैं फिर से इसको अगेन रिपीट करूँगा, समराइज करूँगा पूरे कॉन्सेप्ट को जो जो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया h(t)=e^(a)|t। यहाँ पर ये है क्या, ये एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, e^(at)-t + e^(-at)-t। यहाँ पर इसका अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन रिलेशन कंसिडर करें, यहाँ पर हमने क्या किया, जो h(t) है वो है e^(-a)|t, इसको हमने ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिखा e^(at)-t + e^(-at)-t। इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशन कंसीडर करें या फिर बोल सकते हैं इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर लोगे तो आपको मिल जाएगा h(s)-2a और डिनोमिनेटर में s²-a²। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो आपको ROC जो मिलेगी वो मिलेगी -a < real(s)-a। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ROC है वो आपको राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो ROC है वो आपको राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिल रही है। अगर ROC अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलती तो आपको कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलता, राइट, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अगर ROC अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होती है तो उस केस में जो सिग्मा होता है, रियल ऑफ एस होता है, वो ग्रेटर होता है। अगर ROC अगर हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिलती है तो उस केस में जो रियल ऑफ एस होता है वो लेजर होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ROC है वो हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिल रही, अगर मिलती तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलता। तो ROC हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिल रही और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो रैशनल है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन रैशनल है और जो हमें जो ROC जो मिल रही है वो हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम होगा वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर रैशनल होता और ROC अगर आपको राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिलती है तो जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम होगा, जो सिस्टम है वो नॉन कॉजल सिस्टम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना।
तो अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, अब तक के हमने जो जो डिस्कस किया उसके बारे में हम लोग क्विक रिविज़न कर लेते हैं। अब तक के हमने ये डिस्कस किया, अगर सिस्टम अगर कौशल सिस्टम है तो जो ROC होगी वो हमें कहाँ पर मिलेगी, राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलेगी। मगर हमें ROC अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में दे दिया जाए तो हम लोग बोल नहीं सकते कि वो सिस्टम कौशल सिस्टम ही रहेगा, वो जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है। तीसरा हमने ये देखा कि सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन अगर रैशनल होता है और ROC अगर हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलती है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम रहेगा, कौशल सिस्टम ही रहने वाला है। फिर चौथा हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया, अगर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन अगर रैशनल होता है मगर ROC अगर हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो नॉन कौशल सिस्टम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हम नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर ये कौशल सिस्टम था और यहाँ पर ये एंटी कौशल सिस्टम था, दोनों जो सिग्नल थे वो राइट साइडेड सिग्नल थे, तो दोनों की जो ROC होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है, अगर आपको ROC अगर राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में दे दिया जाए तो सिस्टम कौशल सिस्टम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो सिस्टम है वो एंटी कौशल सिस्टम भी हो सकता है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर क्या डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्चुअली सिस्टम की कौशलिटी के बारे में इतना ही कॉन्सेप्ट है, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है सिस्टम की कौशलिटी में, सिर्फ इतना ही है, हमें ये 4-5 पॉइंट ही नोट डाउन करना है जो कि मैंने आपको बोला, आप उतना नोट डाउन कर लो तो सिस्टम की कौशलिटी को समझना आपके लिए काफ़ी है। अभी हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हमने कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में डिस्कस किया सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस के लिए हमारे पास कितनी टेक्निक होती है, हमारे पास टेक्निक होती है जैसे कि डिपेंड करता है हम लोग कौन से डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं या फिर टाइम डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास टेक्निक होती है बोडे प्लॉट, फिर उसके बाद अपना नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। और अगर हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस कंसीडर करें तो RH क्राइटेरिया हो गया, रूट लोकस हो गया। तो ये कुछ टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में और टाइम डोमेन में। तो यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलने वाला है सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे कि हमने कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ा था, रूट लोकस में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर पोल अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो सिस्टम है, हमने रूट लोकस में भी पढ़ा था और RH क्राइटेरिया में भी पढ़ा था, अगर हमें पोल अगर LHS में मिल रहा है इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा, राइट। तीन पोल अगर हमें LHS में मिल रहे और एक पोल अगर RHS में चले गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब जो पोल है वो सिर्फ LHS में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में अगर पोल चले गया, कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन के अगर राइट हैंड साइड में पोल चले गया इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग फिर से आगे डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए बात कर रहा था, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिस्टम, और ये सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस हमने जो कंसीडर किया है वो है HT, सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको हमने कंसीडर किया HT। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इम्पल्स रिस्पांस को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, हम लोग ये इम्पल्स रिस्पांस को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ HT डी टाउ और इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर ये इम्पल्स रिस्पांस के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल, इम्पल्स रिस्पांस के मैग्नीट्यूड का अगर इंटीग्रल अगर इन्फिनिटी के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम रहेगा, वो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा अगर इम्पल्स रिस्पांस वो पर्टिकुलर सिस्टम का अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो तो। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी में पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा अगर इम्पल्स रिस्पांस सिस्टम का अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है तो। इफ़ एनी सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, अगर कोई भी सिस्टम अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है देन वी कैन इवेल्युएट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट सिस्टम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर कोई भी सिस्टम अगर एब्सोल्युटली अगर इंटीग्रेबल होता है, कोई भी सिस्टम अगर एब्सोल्युटली अगर इंटीग्रेबल होता है तो जो सिस्टम है उसका हम लोग क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, वो सिस्टम का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर सकते हैं, वी कैन इवेल्युएट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट सिस्टम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो HT जो कि इम्पल्स रिस्पांस, इसका अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा HS, और जो ROC होगी वो हमें क्या मिलेंगी R। फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल जी ओमेगा एक्सिस मस्ट बी प्रेजेंट इन ROC ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन HS।
स्टेबल सिस्टम के लिए क्या क्या कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अगर सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है तो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा वो कैसा रहेगा, वो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। दूसरा, अगर सिस्टम अगर स्टेबल सिस्टम होता है तो जो जे ओमेगा एक्सिस है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एक्जिस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो जो जे ओमेगा एक्सिस है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एक्जिस्ट करना चाहिए। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में अगर जे ओमेगा एक्सिस अगर एक्जिस्ट नहीं करती तो जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिस्टम अगर स्टेबल रहता है तो स्टेबल सिस्टम के लिए कंडीशन क्या है, स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस कंसीडर कर लेते हैं। इफ सिस्टम इज राइट साइडेड, अगर सिस्टम अगर राइट साइडेड सिस्टम है मतलब अगर इंपल्स रिस्पॉन्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, हम लोग लिख सकते हैं जो एच ऑफ टी होगा वो नॉन जीरो होगा टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इंपल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, जो आर ओ सी होगी वो राइट साइड में होगी, राइट मोस्ट बोल के। जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है। तो जो आर ओ सी होगी वो राइट साइड में होगी, राइट मोस्ट पोल के। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर अब तक हमें ये पता चल गया है कि जो आर ओ सी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। क्यों राइट हैंड साइड में होगी, क्योंकि जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो राइट साइडेड सिग्नल है, सिंपल वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, जिसके वजह से जो आर ओ सी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जे ओमेगा एक्सिस और यहाँ पर ये रियल एक्सिस सिग्मा। हमने यहाँ पर एक पोल कंसीडर किया, दूसरा पोल हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तीसरा पोल हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये वाला जो पोल है इसको हमने प्लस वन पे कंसीडर किया, ये वाला पोल माइनस वन पे, ये वाला जो पोल है वो माइनस थ्री पे। तो जो आर ओ सी होगी वो राइट साइड में होगी, राइट मोस्ट पोल के। तो यहाँ पर ये जो राइट मोस्ट पोल है इसके राइट हैंड साइड में हमें कुछ इस तरीके से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इसमें जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम रहेगा, सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज आर ओ सी इज नॉट कंटेनिंग जे ओमेगा एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं जो जे ओमेगा एक्सिस है वो आर ओ सी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज आर ओ सी इज नॉट कंटेनिंग जे ओमेगा एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं जो जे ओमेगा एक्सिस है वो आर ओ सी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर बोल सकते हैं आर ओ सी जे ओमेगा एक्सिस को कंटेन नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगा। सिमिलरली जो पोल है अभी उसको हम लोग राइट साइड में नहीं कंसिडर, जो पोल है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में कंसिडर करेंगे, राइट साइड में हम लोग कोई पोल कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात होती है कि क्लियर है कि एक पोल हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक पोल हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन, राइट साइड में कोई भी पोल नहीं है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो आर ओ सी होगी वो क्या कहाँ पर होगी, जो आर ओ सी होगी वो राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में होगी। तो यहाँ पर ये राइट मोस्ट पोल, इसके राइट हैंड साइड में हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर बात होती है कि क्लियर है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इसमें जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। सिस्टम विल रिमेन स्टेबल बिकॉज आर ओ सी इज कंटेनिंग जे ओमेगा एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं जो जे ओमेगा एक्सिस है वो आर ओ सी में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके वजह से होगा क्या, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम रहेगा, ये जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। स्टेबल सिस्टम क्यों रहेगा, क्योंकि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, जिसके वजह से पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर हमने केस वन कंसीडर किया, अगर सिस्टम अगर राइट साइडेड सिस्टम होता है और इंपल्स रिस्पॉन्स अगर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स कंसीडर करे। और ये वाले केस के लिए जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। सिस्टम स्टेबल इसलिए रहेगा क्योंकि जो जे ओमेगा एक्सिस है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग दूसरा केस कंसीडर कर लेते, सेकंड केस हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो जो सिस्टम है वो नॉन कॉजल सिस्टम है, तो अगर सिस्टम अगर नॉन कॉजल सिस्टम होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आर ओ सी होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, कहाँ पर, लेफ्ट मोस्ट पोल के। क्योंकि अगर सिस्टम अगर नॉन कॉजल सिस्टम होता है तो उस केस में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो टी लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स टी लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जो आर ओ सी होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो जो आर ओ सी होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, कौन से पोल के, लेफ्ट मोस्ट पोल के। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन कंसीडर किया, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर ये रियल एक्सिस। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में दो पोल कंसीडर किया है। तो जो आर ओ सी होगी वो लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, आर ओ सी लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट मोस्ट पोल हमने कंसीडर किया, ये लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा, और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जे ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है,
तो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर नॉन कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, अगर RHS में अगर एक भी पोल चले जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर कॉजल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, एंटी कॉजल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो इसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। फॉर नॉन कॉजल सिस्टम यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो ROC है वो लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, जब जाके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और सिस्टम स्टेबल रहेगा। कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम के लिए जो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है, दी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज ऑल पोल्स ऑफ दिस सिस्टम शुड एग्जिस्ट इन RHS ऑफ एस प्लेन। जितने भी जो पोल्स है सिस्टम के वो कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, एस प्लेन के RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। कौन सा सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। और वो सिस्टम स्टेबल कैसा रहेगा, क्योंकि अगर पोल्स अगर RHS में अगर एग्जिस्ट कर रहे तो उस केस में होगा क्या, जो लेफ्ट मोस्ट पोल होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में अगर जी ओमेगा एक्सिस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। फॉर नॉन, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल जी ओमेगा एक्सिस मस्ट बी प्रेजेंट इन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन HOS। तो फॉर नॉन कॉजल सिस्टम द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज ऑल पोल्स ऑफ द सिस्टम शुड एग्जिस्ट इन RHS ऑफ एस प्लेन सो दैट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ताकि जो ROC है उसमें जी ओमेगा एक्सिस कंटेन होगी या फिर ROC में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन के। सिमिलरली यहाँ पर हमने केस नंबर 3 कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हमने केस नंबर 3 प्रोसीड करने से पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया नॉन कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए, और कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंट्रोल सिस्टम में अगर पोल्स अगर LHS में एग्जिस्ट करते हैं तो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा, पोल्स अगर RHS में अगर चले जाता है एक भी पोल तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल, कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ऑल पोल्स शुड लाई इन LHS, सारे के सारे जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। पोल्स इन और जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी ROC में, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल रहेगा। कौन सा सिस्टम, कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पोल्स इन LHS, LHS में जो पोल्स होते हैं वो हमें स्टेबल सिस्टम को डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं, वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ कॉजल सिस्टम के लिए या फिर बोल सकते हैं राइट साइडेड सिस्टम के लिए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे, कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पोल्स अगर RHS में अगर चले जाते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और पोल्स अगर LHS में एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम स्टेबल रहता है। तो कौन से सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। और एंटी कॉजल सिस्टम के कंडीशन में, सॉरी, नॉन कॉजल सिस्टम के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, नॉन कॉजल सिस्टम अगर रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप सिर्फ इतना नोट डाउन कर लो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, अगर पोल्स अगर RHS में एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। ये कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, नॉन कॉजल सिस्टम के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है। पोल्स अगर LHS में होता है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, तो ये कौन से सिस्टम के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉजल सिस्टम के लिए ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग केस नंबर 3 कंसीडर करेंगे जो कि होगा डबल साइडेड सिस्टम। देखते हैं डबल साइडेड सिस्टम के केस में क्या होगा। इस सिस्टम इज डबल साइडेड सिस्टम, अगर सिस्टम अगर डबल साइडेड सिस्टम होता है देन कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये कि जो एक जो पोल है वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए इमेजिनरी एक्सिस के, और दूसरा जो पोल है वो RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए इमेजिनरी एक्सिस के, तब जाके जो डबल साइडेड सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो डबल साइडेड सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, एक जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करना चाहिए और एक जो पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करना चाहिए, जब जाके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। तो एक जो पोल है वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए जी ओमेगा एक्सिस के, और एक जो पोल है वो RHS में एग्जिस्ट करना चाहिए जी ओमेगा एक्सिस के, जब जाके हमें जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें जो मिलेगा वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अब तक के हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी में हमने क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में, अगर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। दूसरा, अगर जी ओमेगा, अगर किसी सिस्टम का, जैसे कि हमने डिस्कस किया
अगर जियो मेगा एक्सिस अगर आरओसी में अगर एग्जिस्ट करिए, किसी सिस्टम का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने कंसीडर किया और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में अगर जियो मेगा एक्सिस अगर एग्जिस्ट करिए, तो जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो पोल्स है वो एलएचएस में एग्जिस्ट करना चाहिए, एक भी पोल आरएचएस में नहीं जाना चाहिए, तब जाके सिस्टम स्टेबल रहेगा। नॉन कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी की कंडीशन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पोल्स है वो आरएचएस में एग्जिस्ट करना चाहिए, एक भी पोल एलएचएस में नहीं जाना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। फिर उसके बाद डबल साइडेड सिस्टम के स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन थी कि एक जो पोल है वो एलएचएस में एग्जिस्ट करना चाहिए और एक जो पोल है वो आरएचएस में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जियो ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेगी और जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं कॉशलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर, जिसके हेल्प से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला वाला एग्जांपल कंसीडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने पहला वाला एग्जांपल कंसीडर किया है, एग्जांपल वन। यहाँ पर ये एग्जांपल के हेल्प से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन हमने कंसीडर किया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी माइनस टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। यहाँ पर हमने एक सिस्टम कंसीडर किया और वो जो सिस्टम है उसका हमने आउटपुट इनपुट रिलेशन कंसीडर किया इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स बताना है और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें कमेंट करना है। सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स और सिस्टम का स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने सिस्टम कंसीडर किया, ये जो सिस्टम है इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है उसको हमने शो किया एच ऑफ टी से। सिस्टम को हमने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, सिस्टम हमें आउटपुट देगा वाई ऑफ टी। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक्स ऑफ टी का अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस। एच ऑफ टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस, वाई ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस बराबर में होगा एक्स ऑफ एस और यहाँ पर ये जो एच ऑफ एस है उसके, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके आगे हम लोग सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, एच ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। हमने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है कंट्रोल सिस्टम में। तो ये जो एच ऑफ एस है वो है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जो कि रेशियो होगा आउटपुट का वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस का। ट्रांसफर फंक्शन इज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट वाई ऑफ एस और इनपुट। ये वाई ऑफ एस है क्या, ये जो वाई ऑफ एस है ये वाई ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स ऑफ एस है क्या, जो एक्स ऑफ टी उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो रेशियो होता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट प्रोवाइडेड दैट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। जो इनिशियल कंडीशंस है सिस्टम में वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया है इनिशियल कंडीशंस जीरो होना चाहिए, इसका मतलब इनिशियली सिस्टम का जो रिस्पांस है या फिर जो सिस्टम में जो इनिशियल कंडीशन है, सिस्टम का जो डेटा इनिशियली वो पूरी तरीके से जीरो होना चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो, इसका मतलब क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप ऐसा भी समझ सकते हो टी लेस देन जीरो के लिए सिस्टम का जो रिस्पांस है वो पूरी तरीके से जीरो होना चाहिए, सिस्टम जो है सिस्टम का जो डेटा वो पूरी तरीके से जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी माइनस टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ दी साइड। तो इसका अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस साइन, ये वाले टर्म का अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें मिल जाएगा एस टाइम्स वाई ऑफ एस। माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो टू है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वाई ऑफ टी का अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ एस इक्वल टू की साइन। एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से वाई ऑफ एस, यहाँ से वाई ऑफ एस, यहाँ से वाई ऑफ एस को हम लोग कॉमन आउट कर सकते हैं। तो वाई ऑफ एस को हमने कॉमन आउट कर लिया, ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू इज इक्वल टू, ये जो एक्स ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एक्स ऑफ एस को हम लोग वाई ऑफ एस के डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस माइनस टू एस माइनस टू, ये वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस ये है क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस ये बराबर में h ऑफ एस के, तो y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस ये किसके बराबर में, ये h ऑफ एस के बराबर में। तो यहाँ पर हमने h ऑफ एस कंसिडर किया इक्वल टू की साइन, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस माइनस टू एस माइनस टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं s टाइम्स s प्लस वन माइनस टू एस प्लस वन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ऑफलाइन क्लासेस में।
फिर उसके बाद इक्वल टू की साइन 1/s+1, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/s+1 s-2। हमें क्या मिल जाएगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन H(s) जो कि बराबर में होगा 1/s+1 s-2। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पोल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हमें पोल दिखाई दे रहा है -1 पर और +2 पर हमें पोल दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, 0 हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड डिस्क्राइब अबाउट द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। टू फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स वी नीड टू टेक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है H(s) इज इक्वल टू 1/s+1 s-2। ये जो पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं H(s) इज इक्वल टू a/s+1 b/s-2। s+1 को 0 के साथ इक्वेट कर दे, s इज इक्वल टू -1, राइट। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू और जो b की जो वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। a के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a को हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू, ये हमें कंसिडर करना है 1/s-2। a का डिनोमिनेटर हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है 1/s-2। ये वाला टर्म कंसिडर करना है b को हटाते हुए, तो हमें मिल जाएगा 1/s-2। और यहाँ पर ये s+1 को हमने 0 के साथ इक्वेट किया था, तो हमें क्या मिला, s = -1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया s = -1। तो यहाँ पर जो s आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह आपको क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। जब इसके जगह आप -1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/-3। माइनस को न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा a = -1/3। तो a की वैल्यू आपको मिल गई जो कि है -1/3। अभी हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b को हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन 1/s+1 कंसिडर करना है, a को हटा देना है 1/s+1। b का जो डिनोमिनेटर है s-2, उसको हमने यहाँ पर लिखा, उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, s-2 = 0। हमें यहाँ s = +2, तो s = +2। तो यहाँ पर ये जो s जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह हमें क्या पुट करना है, s के जगह हमें पुट करना है 2। तो s के जगह अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। तो हमें मिल जाएगा b = 1/3। तो a की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है -1/3, b की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 1/3, राइट। तो अभी a की वैल्यू और जो b की जो वैल्यू है दोनों को हम लोग पुट कर देंगे। तो दोनों को अगर हम लोग पुट करें तो हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा, h(s = -1/3, डिनोमिनेटर में s+1, प्लस साइन 1/3 और डिनोमिनेटर में s-2। तो यहाँ पर हमें फाइनली सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल गया है। अभी हम लोग यहाँ से बता सकते हैं सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो राइट साइडेड सिग्नल है, या फिर बोल सकते हैं जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो राइट साइडेड है। तो जो H(t) जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है, H(t) सिग्नल इज अ राइट साइडेड सिग्नल। आपको पोल कहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पोल हमें कहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करें, न्यूमिनेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो एक जो पोल है वो हमें -1 पर मिल रहा है, और एक जो पोल है वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, +2 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन कंसिडर किया, एक जो पोल है वो हमें -1 पर मिला और दूसरा जो पोल है वो हमें कहाँ पर मिला, +2 पर मिला। ये हमने कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जी ओमेगा एक्सिस। तो H(t) जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है। तो H(t) सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो ROC होगी वो राइट मोस्ट पोल के कहाँ पर होगी, राइट साइड में होगी। तो यहाँ पर ये राइट मोस्ट पोल, ये राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में हमें ROC मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग ROC को डिफाइन करें तो हमें मिल जाएगा रियल ऑफ s > 2। तो यहाँ से आउटकम क्या निकल के आता है, अगर H(t) सिग्नल, अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर राइट साइडेड होता है, इफ H(t) इज अ राइट साइडेड सिग्नल, H(t) अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम रहेगा, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगा। सिस्टम अनस्टेबल क्यों रहेगा, क्योंकि जो ROC होगी वो हमें राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड में मिलेंगी, और वो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसके वजह से जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर हम लोग ऑप्टेन करें, सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में भी हमें कमेंट करना है, तो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, e^(-at)ut, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s+a, ROC होगी रियल ऑफ s > -a। इसका अगर हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, e^(-at)ut। सिमिलरली ये जो सिग्नल था वो राइट साइडेड सिग्नल था, जिसके वजह से इसकी हमें ROC मिली थी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म मिला था 1/s+a, और ROC हमें मिली थी रियल ऑफ s > -a। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली माइनस
ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वन अपॉन एस प्लस ए, और जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस ए। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। मैं आपको बता दूँ एक बात, अगर सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो रियल ऑफ एस होता है वो ग्रेटर होता है, और सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो जो रियल ऑफ एस होता है वो लेसर होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वन अपॉन एस प्लस है, इसका अगर हम लोग यहाँ पर रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है और वन अपॉन एस प्लस है, अगर हमें ये दे दिया जाए या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ वन अपॉन एस प्लस है, इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी। फिर वन अपॉन एस प्लस है और ये वाली आर ओ सी, तो इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे, मतलब सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एच ऑफ एस है इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ले तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो कि होता है एच ऑफ टी। फिर उसके बाद ये जो माइनस वन अपॉन थ्री हमने जो कंसिडर किया इसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस वन अपॉन थ्री को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन, क्या मिल जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन। तो वन अपॉन एस प्लस वन को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वन अपॉन एस प्लस ए। तो वन अपॉन एस प्लस ए के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एस प्लस ए के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, और हमें पता है वन अपॉन एस प्लस ए का जो इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो ए हमें जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, वन पुट कर देना है। ये ए की जगह अगर हम लोग वन पुट कर देंगे, क्यों वन पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वन दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पर हमें वन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सिंपली जो ए है इसके जगह हमें वन पुट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ टी, बस। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन हमने यहाँ पर जो कंसिडर किया है, ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद ये जो वन अपॉइंट थ्री हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वन अपॉइंट थ्री को हमने यहाँ पर लिखा, वन अपॉइंट थ्री को हमने यहाँ पर लिखा। फिर ये वन अपॉन एस माइनस टू, ये वन अपॉन एस माइनस टू को हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, वन सेकेंड, वन अपॉन एस प्लस ए के साथ कंपेयर करेंगे। तो वन अपॉन एस प्लस ए के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो ए हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना होगा, माइनस टू पुट करना होगा। ये ए के जगह हमें क्या पुट करना होगा, माइनस टू पुट करना होगा। तो ये ए के जगह अगर हम लोग माइनस टू पुट करें तो ई टू दी पावर माइनस साइन और माइनस टू हमें मिल जाए ई टू दी पावर प्लस टू टी। तो ई टू दी पावर प्लस टू टी और ये जो यू टी है उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये केस वन के लिए हमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर हमने ये वाला रिलेशन ही क्यों कंसिडर किया, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी वन अपॉन एस प्लस है, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है। ये वाला रिलेशन हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जो सिग्नल था वो राइट साइडेड सिग्नल था, और राइट साइडेड सिग्नल के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, राइट साइडेड सिग्नल के लिए ये वाला कंडीशन, ये वाला रिलेशन होल्ड करता है। सिमिलरली लेफ्ट साइडेड सिग्नल हम लोग दूसरे केस में कंसिडर करेंगे जिसमें हम लोग ये वाला रिलेशन एज्यूम करेंगे। तो केस नंबर टू हमने कंसिडर किया जिसमें जो एच ऑफ टी है, एच ऑफ टी जो सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो केस नंबर टू हमने एज्यूम किया जिसमें जो एच ऑफ टी जो सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो जो आर ओ सी होगी वो लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगी। यहाँ पर ये लेफ्ट मोस्ट पोल, यहाँ पर ये राइट मोस्ट पोल, दो ही पोल है तो ये लेफ्ट मोस्ट पोल और ये राइट मोस्ट पोल। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट पोल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट मोस्ट पोल, ये लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिला। तो अगर हम लोग आर ओ सी को डिफाइन करें तो हमें मिल जाएगा रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस वन। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहने वाला है। तो केस नंबर टू हमने एज्यूम किया जिसमें जो एच ऑफ टी जो सिग्नल है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, उसको हमने लेफ्ट साइडेड सिग्नल कंसिडर किया जिसके वजह से जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हमें मिला। तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल मिल रहा है। इफ़ वी कंसिडर एच ऑफ टी एज अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल, अगर हम लोग एच ऑफ टी को अगर हम लोग लेफ्ट साइडेड सिग्नल कंसिडर कर रहे तो उसके बाद भी जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल रहेगा, देन ऑल्सो सिस्टम विल रिमेन अनस्टेबल क्योंकि जो आर ओ सी है उसमें जी ओमेगा एक्सिस एक्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज आर ओ सी इज नॉट कंटेनिंग जी ओमेगा एक्सिस। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हम लोग डिफाइन करें, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हम लोग ऑप्टेन करें तो हमें सेम करना है, मगर यहाँ ये जो सेम जो रिलेशन है इसे हमें कंसिडर करना है और हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देना है। तो माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस प्लस है, आर ओ सी रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस है। आर ओ सी दे दिया जाए रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस है और ये ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस प्लस है, तो इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो ये वाला रिलेशन हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहले एच ऑफ एस, इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एच ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने ये एच ऑफ टी कंसिडर कर लिया। सिमिलरली
ये माइनस वन अपॉन थ्री हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस वन अपॉन थ्री को। फिर उसके बाद वन अपॉन एस प्लस वन को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वन अपॉन एस प्लस वन को हम लोग वन अपॉन एस प्लस ए के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर वन अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, अगर मैं उतना रिपीट नहीं करता हूँ, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, तो वन अपॉन एस प्लस ए के साथ हमने कंपेयर किया और ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ए की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है वन मिल रही है। ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वन मिल रही है, राइट। वन अपॉन एस प्लस ए को, वन अपॉन एस प्लस ए को आप वन अपॉन एस प्लस वन के साथ कंपेयर करो तो आपको जो ए की जो वैल्यू मिलेगी, ए की जो वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वन मिलेगी। ए की जो वैल्यू है वो आपको वन मिलेगी। तो जो वन है आपको कहाँ पर पुट करना है, ए की जो वैल्यू है जो है वन, तो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ माइनस टी। तो हमें वही मिला, माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ माइनस टी। यहाँ पर हमने किया क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये एच ऑफ एस और यहाँ पर भी हमने वही किया था, यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से इम्पल्स रिस्पांस ऑप्टेन किया। ये एच ऑफ एस इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें देगा एच ऑफ टी। तो ये आपको एच ऑफ टी दिखाई दे रहा है, माइनस वन अपॉन थ्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर बचा क्या, वन अपॉन एस प्लस वन। वन अपॉन एस प्लस वन को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वन अपॉन एस प्लस ए के साथ कंपेयर कर सकते हैं। करे तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी वन। ए की वैल्यू वन मिली, तो यहाँ पर ये जो ए आपको जो दिखाई दे रहा है ए, इसके जगह आप क्या पुट कर देंगे, माइनस वन। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस साइन ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ माइनस टी, जिसको हमने यहाँ पर लिखा वो माइनस साइन के साथ हमने वन असाइन कर दिया, माइनस वन ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ माइनस टी। सिमिलरली ये जो वन अपॉन थ्री हमें जो दिखाई दे रहा है और ये प्लस साइन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री। फिर उसके बाद वन अपॉन एस माइनस टू को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वन अपॉन एस माइनस टू को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वन अपॉन एस प्लस ए के साथ। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस टू मिल जाएगी। ए की वैल्यू माइनस टू, तो ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस टू पुट करना है। तो आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर टू टी यू ऑफ माइनस टी। तो आपको क्या मिल गया, माइनस वन वो माइनस साइन ई टू दी पावर टू टी यू ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल गया केस नंबर टू के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर केस नंबर टू। तीसरा केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तीसरा केस हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तीसरे केस में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एच ऑफ टी जो सिग्नल है वो डबल साइडेड सिग्नल है। तो अगर एच ऑफ टी सिग्नल अगर डबल साइडेड सिग्नल होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, देखते हैं। केस नंबर थ्री, इफ एच ऑफ टी सिग्नल इज अ डबल साइडेड सिग्नल, अगर एच ऑफ टी सिग्नल अगर डबल साइडेड सिग्नल होता है तो एक जो पोल, एक यहाँ पर पोल मिला था हमें और एक यहाँ पर पोल मिला था, तो डबल साइडेड सिग्नल के लिए हमने डिस्कस किया कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हमें जी ओमेगा एक्सिस दिखाई देगी और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें दोनों पोल का मिलेगा। ये लेफ्ट मोस्ट पोल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें दिखाई दे रहा है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और ये राइट मोस्ट पोल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर सिस्टम अगर एच ऑफ टी सिग्नल अगर डबल साइडेड सिग्नल होता है तो हमें कुछ इस तरीके से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलता है और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हमें जी ओमेगा एक्सिस मिलती है। तो यहाँ पर हमने तीसरा केस कंसीडर किया जिसमें जो एच ऑफ टी जो सिग्नल है वो डबल साइडेड सिग्नल है। हमने यहाँ पर ये देखा कि एच ऑफ टी सिग्नल अगर डबल साइडेड सिग्नल होता है तो हमें आउटकम कुछ इस तरीके से मिलता है। कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी प्लेन में हमें एक पोल माइनस वन और ये टू पे हमें पोल मिला था। पोल की जो लोकेशन है वो सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पोल्स की जो लोकेशन है वो सेम है, माइनस वन और टू। पोल्स की लोकेशन में हमने कुछ भी नहीं किया, पोल्स की जो लोकेशन है वो सेम है। तो एक जो पोल की जो लोकेशन है वो माइनस वन पे और दूसरी जो पोल की जो लोकेशन है वो टू पर है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया डबल साइडेड सिग्नल है तो हमें कुछ इस तरीके से आरओसी मिलती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि उसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करती है और जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है, अगर एच ऑफ टी सिग्नल अगर डबल साइडेड सिग्नल होता है, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर डबल साइडेड होता है, तो क्या होगा, जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। जहाँ से अगर हम लोग आर ओ सी को डिफाइन करें तो हमें मिल जाएगा प्लस टू ग्रेटर देन रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस वन, हमें कुछ इस तरीके से आर ओ सी मिलेगी। यहाँ पर ये आर ओ सी हमें किसके लिए मिल गई, राइट साइडेड सिग्नल के लिए, और ये वाली आर ओ सी हमें मिल गई लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा, एंड सिस्टम विल बी स्टेबल क्योंकि जो आर ओ सी उसमें जी ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स को कैसे ऑप्टेन करेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स को ऑप्टेन करने के लिए सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का हमें क्या लेना होगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आप उतना इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म मत लेते बैठो, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिसके हेल्प से आप सिंपली इम्पल्स रिस्पॉन्स को ऑप्टेन कर सकते हो। तो एच ऑफ टी इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लोग शो करते हैं एच ऑफ टी से, फिर उसके बाद इक्वल टू की साइन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें जो दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें कुछ इस तरीके से मिला, -1/3 e to the power -t ut। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो टर्म जो दिखाई दे रहा है -1/3 e to the power -t ut, सिंपली आप इसको यहाँ पर लिख दो, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया -1/3 e to the power -t ut, फिर प्लस साइन 1/3, और ये हमें 1/3 -1 e to the power 2t u of -t कैसा मिला, हमें यहाँ से मिल गया 1/3 -1 e to the power 2t u of -t। तो डबल साइडेड सिग्नल के लिए हमें जो इम्पल्स रिस्पांस मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ये वाला टर्म आपको सिंपली कंसीडर करना है। लॉजिक वही है, सेम आप राइट साइडेड सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल आप कंसीडर करो और सिंपली वैल्यूज को पुट करते जाओ, आपको मिल जाएगा इम्पल्स रिस्पांस। मगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ये वाला टर्म कंसीडर करना है, ये वाला टर्म, फिर उसके बाद हमने ये वाला जो टर्म जो कंसीडर किया था, ये वाला टर्म आपको कंसीडर करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इम्पल्स रिस्पांस डबल साइडेड सिग्नल के लिए -1/3 e to the power -t u of t +1/3 -1 e to the power 2t u of -t, इम्पल्स रिस्पांस फॉर डबल साइडेड सिग्नल। हमें इम्पल्स रिस्पांस मिल गया डबल साइडेड सिग्नल के लिए। अभी भी नहीं समझा हमें इम्पल्स रिस्पांस क्या मिला था, जब हमने डिस्कस किया था h of t सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो हमें इम्पल्स रिस्पांस कैसा मिला था, हमें इम्पल्स रिस्पांस मिला था -1/3 e to the power -t u t +1/3 e to the power 2t u of -t। तो इतना टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, -1/3 e to the power -t u t इतना टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, सिंपली आप उसको यहाँ पर लिख दो -1/3 e to the power -t u t। फिर उसके बाद जब हमने डिस्कस किया था सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो इम्पल्स रिस्पांस हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है 1/3 -1 e to the power 2t u of -t, आप सिंपली इसको कंसिडर कर लो और इसको आप यहाँ पर लिख दो। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1/3 -1 e to the power 2t u of -t। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इम्पल्स रिस्पांस हमें मिल गया डबल साइडेड सिग्नल के लिए। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट था सिस्टम की स्टेबिलिटी और कॉजलिटी के बारे में। आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।